मौन व्रत रखने वाले रणबीर अब खुलकर दीपिका के बारे में बोलने भी लग गए हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। दीपिका से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर सिंगल हो गए, लेकिन दीपिका से दूरियां उनको बर्दाश्त नहीं। दीपिका की चिंता उनको हर पल रहती है, और तो और दीपिका के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर अब भी बरकरार है। दीपिका का नाम उनके अलावा किसी और से जुड़े ये उनको बर्दाश्त नहीं। लिंकिंग हर अप विद एवरी न्यू गाय एंड आई थिंक इट्स नॉट फेयर। ये बात तब सामने आई जब किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ दीपिका का नाम जोड़े जाने पर रणबीर बौखला उठे। बौखलाए भी ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने इसे अफवाह का नाम देते हुए सीधा मीडिया पर निशाना साध दिया। यू नो एट द एंड दीपिका इज अ गर्ल, यू नो एवरी डे यू नो यू लिंकिंग हर अप विद every new guy and I think it's not fair. She's an amazing girl, you know, she's very hard working, very talented. She's reached today is because of her talent. ब्रेकअप के बाद रणबीर को दीपिका की बदनामी की चिंता सताने लगी है। हर बार अलग अलग लड़कों से दीपिका का नाम जोड़ा जाना रणबीर को पसंद नहीं, तो क्या ये समझा जाए कि पुराना प्यार जोर मारने लगा है, वो दीपिका को वापस पाना चाहते हैं। बीच में तो ये भी खबर आई थी कि रणबीर दीपिका को मिस करते हैं, और सिर्फ मिस ही नहीं करते बल्कि उनको बकायदा मैसेजेस भी भेजते हैं। बात तो सीधी सी है कि रणबीर अब भी दीपिका को पसंद करते हैं, वरना दीपिका का नाम किसी और से जुड़ने पर इतना नहीं तुनकते। She's an amazing girl. You know, she's very hard working, very talented. She's reached today is because of her talent. So I think where linking up people is concerned, I think we should just let that, you know, die out a bit. और जहां तक रणबीर और कैटरीना के रिलेशनशिप का सवाल है, तो अब रणबीर इससे भी कन्नी काटते हुए नजर आए। यानी एक बात तो साफ है कि जो आग दीपिका ने लगाने की कोशिश की थी वो लग गई। तभी तो रणबीर को जलाने के लिए दीपिका सिद्धार्थ के साथ हो ली, और रणबीर दीपिका और सिद्धार्थ की नजदीकी को देखकर जल भी उठे। शिखा चौहान, मुंबई, IBN 7।